कर लिया तो कर लिया, मैं आर्मी ज्वाइन कर रहा हूँ। जॉब तो मुझे अगले दिन ही मिल जाएगा, वही अमेरिका में। अरे अब तो अमेरिका जा रहा है, मैं आर्मी में अकेला क्या करूंगा। मुझे कुछ बनना था, किसी की तरह। सिर्फ कमर के नीचे से पैरालाइज हो गए हैं। पर मैं कितना गलत था, भाग रहा था मैं खुद से। किसी ने कभी आपको सड़ी चाटा मारा? डांट, उस चाटे को इश्क कहते हैं। मुझे पता तू वहां खड़ी है, तड़प रही है फोन उठाने को। सर मेरे से नहीं होगा, मेरे पैर नहीं उठने। सर मदद कर दो, मेरे पैरों पे खड़ा होना चाहिए। Fail again and then try again. Fail again and then try again. देखिए ये सातवां राउंड समाप्त कर दिया है। 25 किलोमीटर की ये दौड़ एक प्रोफेशनल एथलीट की तरह पूरी कर ली। इसी के लिए पैदा हुआ था मैं। Go on, break the rules, forgive quickly, love truly, and never regret anything that made you smile. लाल सिंह चड्ढा तोड़ देगी दंगल के 2000 करोड़ का रिकॉर्ड, और क्या पहली बार देखने मिलेंगे सलमान, शाहरुख और आमिर खान एक साथ। मैं प्रियंका आप सभी का स्वागत करती हूं बॉलीग्रेड स्टूडियोज में। लाल सिंह चड्ढा जब से अनाउंस हुई है तब से ही इस मूवी को लेके पब्लिक इंतजार कर रही है। इसके ट्रेलर और इसके रिलीज होने का आमिर खान लाल सिंह चड्ढा में एक पंजाबी का रोल निभा रहे हैं और करीना कपूर फीमेल लीड में दिखेंगी और नागा चन्ना नेगेटिव रोल में। और फिल्म को डायरेक्ट कर रहे हैं अद्वैत चौहान और प्रोड्यूस आमिर खान। प्रोडक्शन वायाकॉम 18 स्टूडियोज, पैरामाउंट पिक्चर्स इसे प्रोड्यूस कर रही है और इस मूवी को लिखा है अतुल कुलकर्णी ने। फिल्म 105 करोड़ के बजट में बन रही है। ये मूवी एक कॉमेडी ड्रामा होगी जिसकी स्टोरी को एक हॉलीवुड मूवी फॉरेस्ट गम्प से अडेप्ट किया गया है। वो फिल्म भी एक नॉवल पर बेस्ड थी जिसका नाम विंस्टन ग्रुप में था। अतुल कुलकर्णी को फॉरेस्ट गम्प को अडेप्ट करने में 20 साल लग गए, क्योंकि पहले 10 साल स्टोरी को बॉलीवुड अडेप्ट करने में लगे और फिर अगले 10 साल कॉपीराइट लेने में। अब रूमर्स तो ये भी आ रहे हैं कि शाहरुख खान और सलमान खान भी इस मूवी में कैमियो रोल्स में दिख सकते हैं, और अगर ऐसा हो जाए तो ये पहली बार होगा कि 3 खान से एक मूवी में दिख जाए। ये मूवमेंट का इंतजार फैंस 1990 से आज तक कर रहे हैं और आमिर खान ही फैंस की इस डिमांड को पूरी करने वाले हैं। यही वजह है कि माना जा रहा है कि उनकी ये मूवी दंगल के रिकॉर्ड को तोड़ सकती है, क्योंकि तीनों खान का स्टारडम जब एक मूवी में देखने मिलेगा तब पता नहीं कितने ही रिकॉर्ड्स टूट जाएंगे। आमिर ने मूवी के लिए 20 केजी वजन कम किया है क्योंकि उन्हें मूवी में एक 20 ईयर ओल्ड लड़के का रोल करना है। दंगल के समय उन्होंने 20 केजी वजन इंक्रीज किया था। वो अपने बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन की वजह से ही मिस्टर परफेक्शनिस्ट कहे जाते हैं और वो एक्टिंग में बहुत ज़्यादा वर्सेटाइल रोल्स करते हैं। उनकी हर मूवी की कहानी काफ़ी अच्छी रहती है। आमिर ने ही बॉलीवुड को पहले 100 करोड़ की मूवी दी थी, वो थी गजनी, और इस मूवी के बाद एक से एक हिट मूवीज ही आई हैं जैसे कि 3 इडियट्स, पीके, धूम 3, सीक्रेट सुपरस्टार एक्सेट्रा। लास्ट ईयर उनकी एक मूवी आई थी थग्स ऑफ हिंदुस्तान, जो बॉलीवुड की पहली सी एडवेंचर मूवी थी, और इंडिया को भी पायरेट्स ऑफ कैरेबियन जैसे एक मूवी मिली। वो फिल्म एक मल्टी स्टारर थी जिसमें आमिर, अमिताभ बच्चन, कैटरीना कैफ और फतिमा साना शेख जैसे कई स्टार्स थे और स्टोरी भी काफ़ी अच्छी थी। फिल्म ने 500+ करोड़ का बिजनेस भी किया। ये मूवी के पहले उनकी हाईएस्ट ग्रोसिंग मूवी दंगल आई थी। उसकी स्टोरी इंडियन फीमेल रेसलर गीता और बबीता फोगाट और उनके पापा के स्ट्रगल पर बेस्ड थी। गीता फोगाट ने इंडिया के लिए गोल्ड मेडल जीता था। इस मूवी के लिए आमिर खान को नेशनल अवार्ड फॉर द बेस्ट एक्टर भी मिला था। आमिर खान अपकमिंग मूवी मोगोल के लिए भी काफ़ी मेहनत कर रहे हैं, पर अभी उनका सारा फोकस लाल सिंह चड्ढा पर है, क्योंकि लास्ट ईयर आई मूवी थग्स ऑफ हिंदुस्तान ने बिजनेस तो अच्छा किया पर स्टोरी फैंस को पसंद नहीं आई। आमिर अपनी मूवी के गुड स्टोरी की वजह से ज़्यादा फेमस है। अगर र्यूमर सही रहे तो आमिर 24 साल बाद सलमान और शाहरुख के साथ देखने को मिलेंगे।
सलमान के साथ अंदाज अपना अपना में आमिर साथ थे और वो मूवी को फैंस आज तक नहीं भूल पाए हैं। शाहरुख के साथ आमिर ने कभी कोई मूवी नहीं की है। अब क्या लाल सिंह चड्ढा तोड़ पाएगी दंगल के रिकॉर्ड्स, अब ये तो वक्त ही बता सकता है। तब तक फैंस इसके रिलीज के लिए बहुत दिन से इंतजार कर रहे हैं और इस इंतजार को और दिन तक संभाल कर रखना पड़ेगा। सो इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल बॉलीग्रेड स्टूडियोज। स्क्रिप्ट रिटन बाय आकाश झा।